हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही ज़्यादा फेमस वॉर के बारे में बताने वाले हैं जो दो फिजिस्ट के बीच में थी। जी हाँ दोस्तों, एसी और डीसी वॉर। तो पहले थे थॉमस एडिसन, जिन्होंने डीसी का इन्वेंशन किया था, और दूसरे थे निकोला टेस्ला, जिन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट एसी का इन्वेंशन किया था। कहानी स्टार्ट होती है 1879 में, जब थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया था। क्योंकि अब दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन तो कर दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब को घर घर तक पहुंचाने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए थी जो घर घर तक पहुंचाई जा सके। इसके लिए थॉमस एडिसन ने डायरेक्ट करंट का यूज़ किया। पर दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट करंट की कुछ कमियां होती हैं, जैसे कि हम डायरेक्ट करंट को कम दूरी तक ही ट्रांसमिट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 किलोमीटर तक। तो दोस्तों, ईयर 1880 में थॉमस एडिसन ने अपनी खुद की एक कंपनी खोली जिसका नाम था एडिसन कंपनी। दोस्तों, ये कंपनी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती थी, पहुँचाती थी। और दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी होती थी डायरेक्ट करंट की। दोस्तों, थॉमस एडिसन एक बिजनेसमैन भी थे और एक बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दूसरों के आइडियाज़ खरीद लेते थे और उनको अपने नाम पर करवा लेते थे। दोस्तों, थॉमस एडिसन के नाम पर बहुत सारे इन्वेंशंस हैं। हमने शुरू से ही थॉमस एडिसन का नाम बहुत ज़्यादा सुना है। दोस्तों, इसका एक कारण ये भी है। अब एंट्री होती है निकोला टेस्ला, जो एक यंग फिजिस्ट हैं, इंजीनियर हैं। निकोला टेस्ला एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सोच वाले इंसान थे जो फ्यूचर की सोचते थे। दोस्तों, इन्हें भी काम चाहिए था, तो इन्होंने भी एडिसन कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, जब इन्होंने देखा कि डीसी करंट में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी इसमें लिमिटेशंस हैं, तो इन्होंने एडिसन को ऑल्टरनेटिव करंट का आइडिया बताया। जैसा कि हमने कहा था कि एडिसन एक बिजनेसमैन थे, तो वो क्योंकि बहुत सारा पैसा अपना डीसी करंट के ऊपर लगा चुके थे दुनिया को ये बताने में कि डीसी करंट बेस्ट है। तो दोस्तों, अगर वो निकोला टेस्ला की बात मान जाते और एसी करंट को एक्सेप्ट कर लेते, तो दोस्तों उनका बहुत सारा पैसा जो उन्होंने डीसी करंट के पीछे लगाया था वो सब डूब जाता। और दोस्तों, एक बिजनेसमैन ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। तो निकोला टेस्ला के इस सजेशन को मना कर दिया, अपनी कंपनी से निकाल दिया। फिर दोस्तों, निकोला टेस्ला एक दूसरी कंपनी में गए। दोस्तों, उस कंपनी के जो ओनर थे उन्हें एसी करंट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, उनका इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिक कार में। तो उन्होंने निकोला टेस्ला से भी इलेक्ट्रिक कार पर ही काम करवाया। कुछ टाइम काम करने के बाद निकोला टेस्ला ने ये कंपनी भी छोड़ दी। दोस्तों, निकोला टेस्ला ने कुछ इन्वेस्टर्स के साथ पार्टनरशिप करके अपनी खुद की एक कंपनी खोली। एडिसन कंपनी की ही तरह इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली ही कंपनी है। पर दोस्तों, फ़र्क ये है कि एडिसन की कंपनी डीसी करंट से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को बेचती थी, जबकि टेस्ला की कंपनी एसी करंट से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को बेचती थी, और एडिसन कंपनी से कम दामों में। दोस्तों, ऑल्टरनेटिव करंट के इतने सारे फायदे होने की वजह से इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। तो इससे एडिसन की कंपनी घाटे में आने लगी थी। तो एडिसन ने लोगों को एसी करंट से डराना चालू कर दिया, और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स भी कर दिए। दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि उनका डीसी करंट टेस्ला के एसी करंट से ज़्यादा अच्छा है और सबको डीसी करंट ही यूज़ करना चाहिए। पर दोस्तों, एसी करंट के इतने फायदे होने की वजह से लोगों ने एडिसन की बात को नज़रअंदाज कर दिया। और दोस्तों, कुछ टाइम बाद एडिसन की खुद की कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने मिलकर एडिसन को कंपनी से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने एसी करंट को रिजेक्ट कर दिया था। एडिसन, जैसा कि हमने कहा कि बिजनेसमैन भी थे, तो वो डीसी का यूज़ इसलिए भी करते थे क्योंकि जो डीसी था कम दूरी तक ही ट्रांसमिट हो पाता था। हर 2 किलोमीटर बाद एक नया पावर प्लांट लगाना पड़ता था। थॉमस एडिसन का ही फायदा था। दोस्तों, वो फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, वो अपना फ़ायदा देख रहे थे। दोस्तों, निकोला टेस्ला फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे और वो दुनिया का फ़ायदा देख रहे थे। तो दोस्तों, फाइनली ऑल्टरनेटिव करंट इस्टेब्लिश हुआ, और आज हम सभी अपने घरों में ऑल्टरनेटिव करंट का यूज़ करते हैं। दोस्तों, इस एसी डीसी वॉर की वजह से ही आज हम एसी का यूज़ कर पा रहे हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, और मेहनत करते रहिए।